नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप चाहते हैं माता रानी आपके घर पर अपना वास बना ले तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ आपका स्वागत है। हमारे घर में माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। अब आइए जानते हैं नवरात्रि में कौन सा फल खाना आवश्यक है, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए। आज के इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों में बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है, इसलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे तभी वह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं, अपना रोना रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब हम जानते हैं नवरात्र के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किए जाते हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर भी जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत सफल संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ कारक होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, तो नवरात्रि पर सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि में देवी दुर्गा के उपासक को नींबू और कटहल ना तो खाना चाहिए और ना ही इसे काटना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बाबंद लस्सी, डब्बाबंद जूस आदि नहीं पीने चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है।
दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह में पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी हैं जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं जो आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे कोई भी पेय जिसमें नमक डाला हो न पिए। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर यानी गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं, यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल न करें, व्यसन से व्रत खंडित होता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूप के अनुसार अलग अलग पुष्प और अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान भूलकर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए इन बातों को जानते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, उन्हें काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही सजानी चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय अक्सर गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल अनेक प्रकार के होते हैं। पूजा और प्रसाद में ज्यादातर हरा और कभी सूखा नारियल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। देखें कि नारियल पूर्ण होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबूत नारियल ही पूर्ण माना जाता है, जो पवित्रता का प्रतीक होता है।
साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर फिर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी न तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3 है लौंग। दोस्तों, माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे डंडी नहीं होती उसका आप माता रानी के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल न करें। फूल वाले लौंग को ही पूर्ण माना जाता है और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसलिए सदैव माता रानी के पूजन में साबुत लौंग का ही इस्तेमाल करें। नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दूर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रानी को भूल कर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। माता रानी को सफेद फूल भी अर्पित न करें। माता रानी को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय है। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय है। ध्यान रखें कि नवरात्र अनुष्ठान में शास्त्रों के अनुसार कनेर, धतूरा और मदार के फूल वर्जित होते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के पूजन में किसी भी खंडित चीज का इस्तेमाल न करें, जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि चाइना ग्लास के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं, तो ऐसा न करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। माता रानी को जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं उन्हें सूंघे नहीं। सूंघे हुए फूल, गिरे हुए फूल या फिर मुरझाए हुए फूल माता को अर्पित न करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।